अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैंने एक पीआईए के हवाले से ख़बर लाई है। वो ख़बर है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से। पीआईए ने हैरिस टेक्नोलॉजी के साथ एक ज़बरदस्त मुआहदा किया है, और सिम्युलेटर जो एक 3D7E एक टेक्नोलॉजी है, वो उसमें बैठकर एक जहाज़ के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पाकिस्तान The इस्लामाबाद integrated में review and the चंद दिन focus on the land पहले operating environment is really हैरिस clear. टेक्नोलॉजी It's के about बानी making sure और that the पाकिस्तान की capabilities तरफ से अरशद मलिक साहब और इंग्लैंड के सफ़ीर, इन तीनों उसमें मौजूद थे, और ऑफिशियल पीआई के ऑफिशियल भी इसमें मौजूद थे। इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, और इसके साथ इसके जो फर्स्ट सिमुलेटर है वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लगा दिया गया है। इससे पहले हमारे पायलट्स थाईलैंड, इंग्लैंड और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे, ट्रेनिंग हासिल करते थे, वहाँ से आकर यहाँ पर अपने मुल्क की खिदमत करते थे। अब उसको थाईलैंड जाने की ज़रूरत न होगी। ये तरफ ना हमें डॉलर्स कीमती ज़र मुबादला और डॉलर्स की बचत होगी, बल्कि इससे पाकिस्तान को जो बाहर के ममालिक से वहाँ से पायलट आकर पीआईए के जरिए कंट्रोल ही सिमुलेटर में वो अपना ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकेंगे। और ये सिमुलेटर इस तरह काम करते हैं, जब आप इस सिमुलेटर में बैठते हैं तो जो एक्सपीरियंस आपको एक हवाई जहाज़ में दरकार होती है वो आप इसमें बैठकर वो एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं। आप चाहे लैंडिंग करते हैं, चाहे आप टेक ऑफ करते हैं, या आप किसी तूफान के साथ टकराते हैं हवा में, जो एक्सपीरियंस, जो मसाइल, जो स्टेजेस आपको अपने उड़ान के दौरान पेश आती है, इस सिम्युलेटर में बैठकर आपको 7E, जो 3D होता है, इस तरह 7E है, वो टेक्नोलॉजी के साथ एयरबस 320 से आप हासिल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, इंग्लैंड से हासिल की गई है, इसलिए इसको ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी माना जाता है, और इसमें बैठकर हमारे जो पायलट्स होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकेंगे, और जो अब हवाओं में उड़ेंगे उसको जो हमारे पायलट्स दुनिया के हिती के निकम्मे पायलट्स हैं, उसके ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, अभी इसमें जो हमारे पायलट्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकेंगे, और पीआईए के जो सर्विस है इंशाल्लाह वो दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। जो हमारे 80 से पहले पीआईए के एक दौर था, एक दबदबा था, इंशाल्लाह वो दोबारा आ जाएगा और हमारे पीआईए तरक्की के एक नए सफ़र पर निकल जाएगी। इसके अलावा इस खबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स से शाया कर दिया गया है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इतना बेहतरीन शानदार खबर है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के जो अरशद मलिक साहब है उसने शेयर किया है, उसने भी इसको कहा है कि एक रिकॉर्ड है, और ये 14 सितंबर 2020 को उसने ट्वीट किया था। बीच में कोई मुश्किल और जो टेक्निकल इशू होते हैं उसके वजह से वो थोड़ा लेट हुआ, तो चंद दिन पहले क्रिश्चियन चैनल साहब ने भी इसको शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। पीआईए ने भी अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर के ऊपर उस पर शेयर किया इस खबर को। इसके अलावा पाकिस्तानी ट्विटर सर्फे ने भी इसको बहुत सराहा है, जो आम आवाम है उसने इसकी बहुत तारीफ़ की है कि एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसको वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने जो पीआईए के सर्विस है उसको भी अपग्रेड करने के हवाले से, इसको बेहतर बनाने के हवाले से डिमांड किया है कि इसको भी बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल उसके मुतालबा जायज़ हैं, जो लोग बराबर सफ़र करते हैं उसको पता है किस तरह मुश्किलात इसमें पेश आते हैं उसको। तो एक अच्छी खबर थी जो मीडिया के ऊपर आपको नहीं देखने को मिली थी, तो आज मैंने इजाज़त दी।